व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। जो फर्स्ट यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, यह है वुमेन इंडियन कबड्डी टीम और यह है नीचे वाली मैन इंडियन कबड्डी टीम। इन दोनों के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, आज तक वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, चाहे मेन की बात कर लीजिए चाहे वुमेन की बात कर लीजिए, दोनों में आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड कप इनके द्वारा जीते गए हैं, वुमेन के द्वारा और मेन के द्वारा। ये देखिए कितनी शानदार बात है, अगर आप लोग ये समझेंगे सोचेंगे एक बार को, मतलब वर्ल्ड में आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो दोनों ही कैटेगरी में, मैन की भी और वुमेन में, हमारी कंट्री में जीते गए हैं। तो इसको कहते हैं डेडिकेशन। कितने शानदार तरीके से दोनों टीम खेल रही है, मतलब किसी को भी वर्ल्ड में आज तक हम लोगों ने जीतने नहीं दिया है। ओके, तो ये था यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग जाकर विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं किस किस को हराया है, अगर आप लोग थोड़ा सा और इंटरटेन करना चाहते हैं अपने आपको। मैक्सिमम आप लोग कई जगह पाकिस्तान में वहां पर नजर आएगा जिसको अच्छे से हराया है हमारी टीम है दोनों ने मिलकर, तो देख सकते हैं आप लोग कई इंटरेस्टिंग फैक्ट और जाकर इसके बारे में विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। तो आज है यहाँ पर 14 फरवरी, काफी इंटरेस्टिंग डे है, एंजॉय कीजिए जितना कर सकते हैं और खुश रहिए जितना रह सकते हैं, ठीक है। पूरा फोकस यहाँ पर खुश रहने पे होना चाहिए आप लोगों का। नैनो मैगजीन के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया रेडियो पीआईबी की न्यूज और इसके साथ में योजना, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के डिस्कस करूंगा। इसके बाद में आप लोगों को जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर देंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग और शानदार सेशन हमारा रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर फॉरेस्ट कवर के बारे में। अगर आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पर बात की जाए तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बातें मानी जाती हैं, और एक मतलब अगर आप लोग देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब 33% जो होना चाहिए पूरा ऑल ओवर जो लैंड है हमारी, उसका 33% कवर यहाँ पर पेड़ से होना चाहिए, तभी जाकर हम एक अच्छा एनवायरमेंट अपनी धरती पर, अपनी पृथ्वी पर बना सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग देखेंगे इंडिया का जो 33% होना चाहिए, इंडिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 21% जियोग्राफिकल एरिया। टोटल तो आप लोगों को पता है मैक्सिमम एरिया में पानी ही आता है, अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा मैप को निहार कर, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो लैंड वाला एरिया है, इसकी लैंड वाले एरिया की, ठीक है ना। बाकी तो आप लोग यहाँ पर टोटल पानी नजर ही आएगा हर जगह, पर लेकिन जो लैंड वाला एरिया है, इस लैंड वाले एरिया पे लगभग 33% ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये है वर्ल्ड नॉर्म्स। पर लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव साइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर इंक्रीज किया है, 0.21% का जो राइज हुआ है अब हमारा फॉरेस्ट कवर में, कब से 2015 से 2017 के बीच में, ये बाइनियल मतलब 2 साल का आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया स्टेट, ये आप लोगों को याद रखना है ये रिपोर्ट इसके द्वारा, ठीक है ना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट SFR 2017 के हिसाब से ये बात बताई गई है कि जो रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे जो हो गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, इन एरिया में जो ग्रोथ है फॉरेस्ट की वो बड़ी है, मतलब पेड़ सबने लगाए हैं, और अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में पेड़ और ज्यादा काटे जा रहे हैं, वहां पर डिक्रीज हुआ है। पर लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया हम लोग देखेंगे तो इतने परसेंट का, 0.21% का इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। तो अब जो हो गया यहाँ पर आप लोगों को 21.53% हमारा जियोग्राफिकल जो कवर है हमारा कंप्लीट इंडिया का, इतने पर फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। पर लेकिन पहुंचना कहां तक हम लोगों को, 33% तक हम लोगों को पहुंचना है यहाँ पर। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, पहले तो आप लोगों से यही पूछा जाता है कितना इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीज हुआ। यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि जो अभी जो रिपोर्ट आई है एसएफआर की 2017 की, उसके हिसाब से क्या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में जो ग्रोथ है और ज्यादा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, आप लोगों से पूछा जा सकता है किस एरिया में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दो क्वेश्चन आप लोग यहां से निकल सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे ज्यादा एरिया कौन सा कवर है, एसएससी और बैंकिंग में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। जैसे आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा कवर कहां पर है, सिक्किम पर, ठीक है, सिक्किम में यहां पर 82% फॉरेस्ट कवर है। मणिपुर देख सकते हैं 78% फॉरेस्ट कवर है, उत्तराखंड 71%। तो तीन स्टेट आप लोगों को टॉप स्टेट हो गए यहां पर SMU, ठीक है ना, तो नीचे हो गया सिक्किम, मणिपुर और उत्तराखंड, ये तीन ऐसे स्टेट है यहां पर जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री में, ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आप लोग देखते हैं ये वाली रेंज होगी यहां पर मिनिमम, और ये वाली होगी मैक्सिमम। मिनिमम वाली में आप लोग देखते हैं ये हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया इधर राजस्थान, हो गया हरियाणा, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया यहाँ पर बहुत कम कवर है, ठीक है, जहां जहां आप लोगों को ग्रीन कवर देखने को मिलेगा वहां ज्यादा कवर है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, जो SRF स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के हिसाब से ये सारी बातें की जा रही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर इंडिया की रैंक, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग देखेंगे फॉरेस्ट कवर में, तो इंडिया की रैंक यहाँ पर 10th आती है ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाती है फॉरेस्ट कवर में,
और 24% हम लोग लैंड एरिया जो अगर फॉरेस्ट कवर का देखेंगे हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप याद रखिएगा 24% यहाँ पर दोनों बातें की जा रही है, फॉरेस्ट कवर भी और ट्री कवर भी। देखिए आप लोग कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे जो होते हैं रोड के किनारे पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। किसी के घरों में घेरों में आप लोगों को पेड़ के पौधे देखने को मिलेंगे, सड़क वगैरह होती है जगह जगह तो उसको ट्री कवर कहते हैं अलग से। और जब आती है फॉरेस्ट कवर की तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, पर लेकिन देखिए आप लोग देख सकते हैं अगर ऑल ओवर वर्ल्ड का हम लोग देखें ओनली 2.4% हमारे पास में ऑल ओवर वर्ल्ड का लैंड है, मतलब जो जमीन है जो हमारा सरफेस एरिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर इंडिया का मैप देखेंगे तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो एरिया है हमारा ये आप कुल मिला के यहाँ पर 2.4% ऑल ओवर वर्ल्ड का बैठता है। इस 2.4% ऑल ओवर वर्ल्ड के एरिया में हम 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ पर, मतलब कितना ज्यादा प्रेशर हमारे यहाँ पर है। अगर टोटल लाइव स्टॉक की बात की जाए तो 18% लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसी ये सारी बातें आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बातों को आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये यूनियन जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ये है हर्षवर्धन जी। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप लोग इनको पिक्चर में पाओगे, तो मिनिस्टर का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर जो खासकर जब बात आती है इस तरीके के आर्टिकल तो साइंस में इस तरीके की न्यूज कई बार आप लोगों से पूछी जाती है। स्टंट के प्राइस की बात की जा रही है यहाँ पर, आखिर होती क्या है ये आप लोगों इस तरीके जाली की छोटी सी बहुत, मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत बड़ी नजर आ रही है पर ये इतनी छोटी होती है कि एक सुई की नोक के बराबर बहुत पतली सी दिखाई देगी आप लोगों को, बहुत ही माइन्यूट सी। काम क्या होता है इसका, ये स्टंट इसको बोला जाता है, इसका यूज करते हैं हार्ट की बाईपास सर्जरी करने के लिए। अगर हार्ट में कोई ब्लॉक आ जाता है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्जरी करने के लिए इस स्टंट को वहां पर लगाया जाता है ताकि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। आखिर न्यूज में किस लिए है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA के द्वारा अनाउंस किया गया है न्यू प्राइस, जो कि बेचना है इनको 8% के मार्जिन पे, मतलब जितना भी यहाँ पर लेके आएंगे उसका 8% इनको मिलेगा, उसके मार्जिन पर इसको बेचा जाएगा। नॉर्मली क्या करती है कंपनी, लेके तो आती है मान लीजिए 20,000 की, ठीक है ना, तो इसको बेचेंगी बहुत बहुत लार्ज स्केल पर। आप लोगों को 20,000 की जगह इसको लोगों लगभग 1,20,000 तक का प्राइस का देना पड़ता है, इतना ज्यादा प्राइस यहाँ पर, इतना ज्यादा ठगा जाता था आप लोग ये कह सकते हैं मरीजों को। पर लेकिन यहाँ पर पिक्चर में जब आ जाती है NPPA तो इसका काम क्या होता है, ये एक गवर्निंग रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्या करती है ये प्राइस कंट्रोल करती है, ड्रग्स के प्राइस डिसाइड करती है यहाँ पर क्या क्या उसके प्राइस होने चाहिए। अगर कोई ज्यादा प्राइस कर रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर मरीजों के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, तो प्राइस को रेगुलेट करने का काम करती है ये अथॉरिटी। ओके, थोड़ा सा तो इस अथॉरिटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगस्त 29, 1997 में इसका गठन किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। आज ये तो दोनों बातें सही है पर आप लोगों को इसका एक बस आप लोगों को इसकी मिनिस्ट्री जरूर याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके अंडर में ये आती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्राइस को कंट्रोल करने का काम करती है। फंक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ, मेन फंक्शन इसका आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, अगर कोई प्राइस बढ़ रहा है इरेगुलर वे में तो उसको मेंटेन रखने का काम करती है। और कोई अलग अगर कोई मेडिसिन ऐसी दिख रही है यहाँ पर जो कि अलग तरीके से ऑनलाइन भी बेची जाती है आज के डेट में मेडिसिन, तो हर जगह उसको रेगुलेट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो 8% की यहाँ पर मार्जिन का कैप रखा गया है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। लगे ही हाथों एक मिनिस्ट्री और देख लेते हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कई बार ये बात पूछ ली जाती है। इस मिनिस्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट है काफी इंपॉर्टेंट, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। दो डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। आज के डेट मिनिस्टर कौन है, सुरेश प्रभु जी। हाँ, ये वही मिनिस्टर है जो पहले रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, आज की डेट में ये मिनिस्ट्री इनको दे दी गई है यहाँ पर, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके पास में है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो दोनों डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जब बात आती है यहाँ पर तो ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट वर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस नीचे वाले डिपार्टमेंट की, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड पॉलिसी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो बात करेंगे ये इंप्लीमेंटेशन का काम करता है और फॉर्मुलेशन का, फॉरेन ट्रेड से पॉलिसी जो रिलेटेड होती है, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करना है, ये पूरा डिपार्टमेंट आप लोगों के यहाँ पर आएगा। जब भी बात आ जाएगी FDI की, जो कि आप लोग डेली सुनते हैं, ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आ जाएगी तो आप लोगों को पिक्चर में आता हुआ दिखा देगा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके, तो इस तरीके भी क्वेश्चन कई बार पास्ट में पूछे जा चुके हैं, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी चीजें होनी है, तो कहीं ना कहीं पिक्चर में आप लोगों को ये वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर नजर आएगा। जब नीचे वाले डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये जो डिपार्टमेंट था, ये जो डिपार्टमेंट आप लोगों को ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ये
ये डिपार्टमेंट बाद में यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था, आप लोगों को 1995 में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो भी हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, आप लोगों को पता है 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारी कंट्री में, कौन कौन से हैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो उनको किस तरीके से मेजर्स करना है, क्या क्या उनकी प्रायोरिटी है, किस तरीके से वर्क करना है, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन या डेवलपमेंट क्या क्या होना है, प्लानिंग क्या क्या होनी है, तो उस पर इनका फोकस रहता है, ठीक है। तो दोनों डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग वहां पर बता सकें। आगे अब आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर जानते हैं चित्तौड़ फोर्ट के बारे में। दो नाम से पुकारा जाता है, एक तो चित्तौड़ फोर्ट भी इसको बोला जाता है और चित्तौड़गढ़ भी बोला जाता है, दोनों ही नाम आप लोग याद रखिएगा। वैसे आप लोगों ने मीरा का नाम सुना ही होगा, तो जब भी मीरा के नाम आती है जो कि भक्त थी श्री कृष्ण जी की, इनका नाम आप लोगों को तभी यहां पर चित्तौड़ का नाम याद आता होगा, ठीक है। तो चित्तौड़ आप लोग यहां पर इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ओके। और इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगी कैपिटल थी मेवाड़ की। नेक्स्ट आप लोग इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, स्टेट है राजस्थान, आप लोग यहाँ पर मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं और यहाँ पर ये फोर्ट की भी पिक्चर आप लोगों के लिए डाली गई है। इसके आसपास में आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी, दो रिवर हैं, दो रिवर का भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। पहली है यहाँ पर गंभीरी रिवर, ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट रिवर, और दूसरी है ब्रेच रिवर। तो दोनों ही रिवर यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन दिखेगी इसके आसपास में। तो इस तरीके की बातें भी कई बार पूछ ली जाती है हिस्ट्री के साथ में, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन को ऐड करके कई बार इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ जाती है। तो इसलिए अगर पता चलेगा इन दोनों रिवर कहां पर पड़ेंगी, इसका मतलब दोनों रिवर राजस्थान में पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये वाली लोकेशन देखने को मिलेगी चित्तौड़ फोर्ट के बारे में। ये जरूर याद रखेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्रिजर्वेशन करने के लिए इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वर्ल्ड लेवल पर बात पहुंच जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ओके। और जो अभी लेटेस्ट मूवी आई थी अभी पद्मावत, जिसका पद्मावत ही नाम था, बाद में चेंज करके पद्मावत कर दिया गया था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा जो राणा रतन सेन थे वो चित्तौड़ फोर्ट उन्हीं का था, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा था शादी करने के बाद में चित्तौड़ के फोर्ट में उनको लाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी लोकेशन, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो मूवी में भी इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिली होगी। तो ये वही फोर्ट है, इसलिए न्यूज में भी तो थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। और हाँ, एक बात तो रही गई जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर हिस्ट्री में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, इसको चित्रकूट के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, ये बनवाया किसके द्वारा गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मौर्य रूलर चित्रांगदा मौर्य के द्वारा इसको बनवाया गया था, ओके। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं, इस तरीके की बात भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेकोंग रिवर के बारे में। गंगा किसलिए मुंह से निकला, गंगा इसलिए मुंह से निकला क्योंकि आप लोगों को मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। पहले आप लोग एक बार मेकोंग रिवर के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। एक तो सबसे पहली बात यह है आप लोगों के जो पता होनी चाहिए आप लोगों को, यह है 12th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड की बात आती है कितनी लंबी है, कहां से कहां तक होकर गुजरती है, तो कहां से कहां तक गुजरती है आप लोग देख सकते हैं। यहां पर ऊपर चाइना वाला पोर्शन हो गया, नीचे आकर देखोगे आप लोग बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे आप लोगों को लाओस देखने को मिलेगा, नीचे थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम तक होते हुए यहां तक जाती है आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। तो ये 12th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है अगर देखा जाए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया का तो यहां पर कोई पार्ट ही नहीं है। जी हाँ, इंडिया का यहां पर कोई पार्ट नहीं है, पर लेकिन बात करते हैं जो अगर बात करें हम लोग अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो आप लोगों को पता है लुक ईस्ट पॉलिसी की बात क्या होती है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, हम लोग क्या करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को, ये जो दूसरे इस साइड वाला जो पोर्शन है इसके साथ में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा व्यापार बढ़ेगा, इसलिए हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वो भी अच्छे से प्रोस्पर होगा। तो उसी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए सन 2000 हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट कहां से किया गया था, वियतनाम से स्टार्ट किया गया था। ये हो गया वियतनाम, ये वाला एरिया सर आप लोगों को वियतनाम देखने को मिलता है। वियतनाम की कैपिटल आप देख सकते हैं हो ची मिन, ठीक है ना। तो ये वियतनाम की सिटी है यहाँ पर। तो इस मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में आप लोगों को 6 कंट्री देखने को मिलेगी, एक तो इंडिया हो गया नॉर्मल सी बात है, इसके बाद में फिर आप लोगों को थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस और वियतनाम, ठीक है। इंडिया थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस और वियतनाम, तो टोटल मिला के 6 कंट्री हो गई। 6 कंट्री ने किस किस एरिया में फोकस देने की बात की थी, 4 एरिया में फोकस देने की बात की थी मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन के तहत। एक तो था यहाँ पर इनका फोकस रहना था टूरिज्म पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, कल्चर एक्सचेंज करना है एक दूसरे के साथ में, एजुकेशन पे फोकस देना है और ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस देना है। क्योंकि जब एक बार यहाँ पर कनेक्टिविटी आप लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी कनेक्टिविटी फिर बढ़ेगी, तो उस लेवल पर भी यहाँ पर फोकस देना था। गंगा का नाम आप लोग जानते हैं इंडिया की रिवर हो गई, और मेकोंग जो मैंने आप लोगों को बताया अभी ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिवर के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
नेविगेशन काफी डिफिकल्ट है इस रिवर में ड्यू टू द आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सीजनल वेरिएशन होता है उसकी वजह से नेविगेशन मतलब इसमें जो आप लोग बोले कि नाव चलाना वो काफी डिफिकल्ट इसमें पड़ता है। इसके अलावा रिचेस्ट एरिया है अगर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखा जाए ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली सरपास बाय अमेजन। अमेजन एक ऐसा ओनली बेसिन है जो इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी रिच देखने को मिलेगा जो जिस जो कि इससे ऊपर है, वरना दूसरे नंबर पे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये मेकोंग गंगा वाला। तो इस तरीके से भी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब से यहां पर चाइना ने अपना फर्स्ट डैम बनाया था इसके बाद में काफी सारे डैम चाइना बना चुका है, तो कई सारी और भी इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उनको प्रॉब्लम हो रही है। डॉल्फिन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, मनाते आप लोग देखते हैं, ये मछली के नाम है, इनको भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये रिवर थोड़ी हो जाती है, तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो बैंकिंग की तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर मुंबई में है। टैगलाइन कई बार पूछ ली जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ठीक है ना। तो मतलब क्या इसका, आपके लिए केंद्रित है 1911 से। तो आप लोग देखते हैं कितना पुराना बैंक है, 1911 में आप लोग देख सकते हैं इसको, इतना पुराना है यहाँ पर, ठीक है ना। कि जो पर्सन है यहाँ पर श्री राजीव ऋषि है, और इसके अलावा जो ये है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर 21 दिसंबर 1911 लगभग 106 आप लोग देख सकते हैं 106 क्या सातवां लग गया ईयर जिससे ये बना हुआ है। तो काफी पुराना बैंक है यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, हेडक्वार्टर है मुंबई पे, ओके। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, खासकर टैगलाइन वगैरह जरूर याद रख लीजिएगा, इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है। 1911 से आपके लिए केंद्रित, ठीक है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ओके 1911। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए योजना का आर्टिकल है। आप लोगों के लिए योजना का आर्टिकल पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एनालाइज करना है नीड द पेंशन सिस्टम टू एलिवेट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ओल्ड एज पुअर्टी। ओल्ड एज में जो पुअर्टी आ जाती है उससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से जो पेंशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, जिस तरीके सिचुएशन बुढ़ापे में आ जाती है इंसानों को किस तरीके से उससे बचाया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है, ठीक है ना। आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग आर्टिकल सुनने के बाद में कम से कम, तो इसलिए आप लोग कम से कम आंसर जरूर दीजिएगा और एक दूसरे का रिव्यू जरूर कीजिएगा। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल में क्या क्या बातें यहां पर की गई हैं। पहले आप लोग देखते हैं आर्टिकल में यहां पर जो इसका हेडलाइन आप लोगों को देखने को मिला, सिक्योरिंग द लाइफ सेकंड इनिंग। मतलब आप लोगों को पता है जब रिटायर हो जाता है आदमी तो सेकंड इनिंग स्टार्ट हो जाती है लाइफ में, तो उसके बारे की जिक्र किया गया है यहाँ पर। पेंशन उस टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कई बार क्या रहता है फैमिली की, अगर मान लीजिए एक तो सपोर्ट नहीं है, दूसरा क्या रहता है मान लीजिए बच्चे भी इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, तीसरा क्या रहता है किसी के बच्चे ही नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें कई तरीके यहाँ पर सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कई सारे जो कई के जो बच्चे होते हैं किसी की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है, पूरी फैमिली चली जाती है, बूढ़े बच जाते हैं वहां पर फैमिली में। तो कई तरीके अनफॉर्चुनेट कंडीशन भी यहाँ पर बन जाती है, तो किस तरीके से उस सिचुएशन से यहाँ पर लड़ा जाए उसके लिए आप लोगों को देखने को मिलती है पेंशन यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस तरीके के रिस्क से बचने के लिए। तो इस तरीके से रिस्क से अगर बचना है तो कहीं ना कहीं पेंशन का सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और पेंशन भी एक तरीके से ऐसी होनी चाहिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को पेंशन स्कीम में यहाँ पर आकर अपना नाम लिखा के उसको कंटिन्यू करना है तो कम से कम वो ऐसी होनी चाहिए कि इंसान उसको ले सके, ऐसी तरीके की स्कीम होनी चाहिए, यानी कि बहुत हाई फाई रख दी वहां पर कोई उसको ले ही नहीं पा रहा है। तो अफोर्डेबल यहाँ पर पेंशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इफिशियंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहती है यहाँ पर अगर अफोर्डेबल पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई यहाँ पर पेंशन स्कीम आज की डेट में आप लोगों ने चला रखी है, किसी इंसान ने पेंशन ले ली वो आगे चल के उस पेंशन को यूज करके अपनी जिंदगी को अच्छे से निर्वाह कर पाएगा, पर लेकिन अगर पेंशन स्कीम आप लोग नहीं चला पा रहे हैं तो वो इंसान क्या करेगा, आगे चलकर इकोनॉमी के ऊपर काफी बर्डन पड़ेगा जब बहुत सारी सिक्योरिटी की फैसिलिटी स्कीम्स यहाँ पर चलाई जाएगी और फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। आज की डेट में तो अगर पेंशन स्कीम ले रखी है किसी इंसान ने वो अपनी पेंशन में से खर्च करेगा वहां पर अगर कोई खर्चा निकालना है, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी पेंशन स्कीम टाइप की तो फिर गवर्नमेंट को अपनी जेब में से पे करना पड़ेगा और इकोनॉमी के ऊपर काफी बर्डन बन सकता है। तो इफिशियंट इकोनॉमी होने के बाद में डेफिसिट इकोनॉमी बनेगी अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनती है। तो ट्रेडिशनल फैमिली की सपोर्ट ग्रेजुअली आप लोग देखते हैं आज के डेट में डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। आजकल बच्चे जो रहते हैं वो आज के डेट में या तो दूसरी सिटी में पढ़ने जाते हैं, ये बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है, या फिर फॉरेन कंट्री में भी चले जाते हैं कई बार। तो कई सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन आज के डेट में चेंज हो चुके हैं, अर्बेनाइजेशन हो चुकी है, फैमिली न्यूक्लियर हो चुकी है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं नॉर्मली। पेंशन अगर इस टाइम पर प्रोविडेंट फंड टाइप का अगर कोई सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए खासकर ये होती है, खासकर जो अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो बातें देखने को मिलती है। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। इसके लेवल में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी है
PFRDA, ये इसको रेगुलेट करती है और ये स्कीम जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2004 में जनवरी 1 से कि यहाँ पर सबके पास में पेंशन होनी चाहिए एक्सेप्ट आर्म फोर्स, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर लाई गई थी, क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी को यहाँ पर पेंशन दी जाती है इनकी सैलरी में से कटता रहेगा और आगे जाके जब पेंशन दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक सिक्योर्ड फ्यूचर बन जाता है इसको, ठीक है। तो ये बातें हैं, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो स्कीम्स थी आप लोगों को देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए स्टार्टिंग में स्कीम प्रोवाइड कराई गई और फाइनली May 1, 2009 में ये स्कीम जो थी ऑल इंडियन सिटीजन के लिए अलाउ कर दी गई, ठीक है ना, वॉलेंट्री बेसिस पर, मतलब बहुत पब्लिक और प्राइवेट सिटीजन के लिए सब इसको ले सकते हैं वॉलेंट्री बेसिस पे, चाहे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी यहाँ पर इसके अंदर ले आया गया, इंक्लूडिंग द सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं अनऑर्गेनाइज या फिर इनफॉर्मल सेक्टर वाले, जो मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूँ। एज क्या थी 18 से 60 के बीच में यहाँ पर है कि इसको इसको इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उनके लिए तो मैंडेटरी कर दी, मतलब 10% उनकी जो इनकम होती है उसमें से इसको काटा जाएगा ताकि आने वाले टाइम पे उनको पेंशन प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्यूमुलेट ओवर द इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्या करी, सिक्योरिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड इन सब चीजों में भी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा ये मतलब ये है अगर इस तरीके से यहाँ पर कोई भी स्कीम चलाई जा रही है तो आगे आने वाले टाइम में उसका फायदा देखने को मिलेगा और एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो फिर आगे आने वाले टाइम में जो एम्प्लॉय है उनको भी अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो ये सब बातें थी, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जाकर आप लोगों को लेक्चर देखना है, ये है किसका, पॉलिटिकल लेक्चर है। पॉलिटिकल लेक्चर आपके डेली शाम को आते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों का रिवीजन का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखना है निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को देखना है। लेक्चर का लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और लेक्चर के सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे भी और लेक्चर जब खत्म होगा स्क्रीन पर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर लिंक आ जाएगा, जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खत्म होने के बाद में अब सबॉर्डिनेट कोर्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं, उसमें भी आप लोगों को सारी डिटेल देखने को मिलेगी। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को लोक अदालत के बारे में और फैमिली कोर्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा कि ये क्या होते हैं, वो सारे लेक्चर जिस किसी को देखने हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं। थोड़ा एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी आप इनको बोल सकते हैं, जाकिर हुसैन खान, ये जो प्रेसिडेंट रहे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया थे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए इनका टाइम पीरियड आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये जो प्रेसिडेंट रहे हैं ये प्रेसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर 1967 से 1969 तक रहे हैं। काफी अच्छे एजुकेशनिस्ट थे यहाँ पर, ये इंटेलेक्चुअल भी थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम थे हमारी कंट्री के। पद्म विभूषण मिला है इनको, गवर्नर रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, भारत रत्न मिला था इनको 1963 में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो कई सारी इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है, आप लोगों को कभी भी टाइम मिले तो जीवनी जरूर पढ़ा कीजिए किसी भी इंसान की, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि किस तरीके से इंसान ने अपनी लाइफ में क्या क्या बातें अचीव की है और आप लोग कुछ बहुत कुछ सीख के अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर इनके बारे में, ये है आप लोगों के लिए काफी शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को इनके आंसर देने हैं। सी बॉक्स क्या है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेक्चर में अच्छे से बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। वालसे लाइन क्या है, ये किस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, कल आप लोगों को जब आंसर दूंगा तो मैप दिखा के अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आप लोगों को वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या है इस बार की 2018 की, ये आप लोगों को बताना है और ये बताइए कमेंट बॉक्स में किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे को। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दीजिएगा, ओके, फिर कल इसको आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे तो इसके बारे में थोड़े आंसर आप लोग देख लीजिए और फिर बताइएगा कैसे कैसे आप लोगों के आंसर रहे, कितना आप लोगों ने अचीव किया। तो इस क्वेश्चन में से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं यहाँ पर कि क्या कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो रहता है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ओके। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी 130 रैंकिंग हुआ करती थी, अब हमारी रैंकिंग यहाँ पर 100 हो गई है, तो हमारी रैंक काफी सुधर गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा सब इंडेक्स यहाँ पर नहीं है, तो टोटल 10 इंडेक्स होते हैं यहाँ पर, इनमें से ये वाला नहीं है, लेबर मार्केट रेगुलेटर, ठीक है। 10 के 10 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, 10 में से ये नहीं है, बाकी हम लोगों ने देखे थे कई सारे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रेडिट कैसे चल रहा है, टैक्स पेइंग का क्या सिस्टम है वहां पर, इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे चल रहे हैं वहां पर, रिवॉल्व यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी किस तरीके से है यहाँ पर, प्रोटेक्शन किस तरीके से की जा रही है इन्वेस्टर्स की, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किस तरीके से यहाँ पर मिल पा रहा है। तो इस तरीके आप लोगों को इंडेक्शन, इस तरीके इंडिकेटर आप लोगों को वहां पर देखने को मिल रहे थे उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हम लोगों ने, मैंने आप लोगों से पूछा था कि जैसे हम लोगों ने अभी यूएसए से इंपोर्ट करने की बात की है क्रूड ऑयल, तो इसका क्या इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है सऊदी अरब से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ईरान से इंपोर्ट करते हैं, तो ये वाले एरिया आप लोगों को पता है जिसके ऊपर हम काफी डिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो
तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी वजह से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा रिस्क रहता है, जो हम लोग रिस्क देख के चलते हैं वेस्ट एशिया वाले रीजन में, अगर वेस्ट एशिया वाले रीजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कल को, तो कम से कम हम लोगों का एनर्जी सिक्योरिटी यहां पर बनी रहेगी। ठीक है, तो ये बात होगी, यहां बिल्कुल सही है, हम लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा क्या बात कर रहा है कि ये ईरान के साथ में इंबैलेंस ट्रेड कर देगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये फालतू की बात यहां पर बोली गई है, किसी के साथ में कोई भी ट्रेड इंबैलेंस नहीं होने वाला है। तो आंसर ओनली वन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का जो स्केल है खरीदने का वो बहुत ज्यादा है, तो इससे इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो किस पर ये फोकस देने वाली है, ये सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर पे फोकस देने वाली है, प्राइमरी पे नहीं देने वाली है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया यहां पर बी। तो ये तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कबड्डी टीम के बारे में। हम लोगों ने ज्यादा आज तक हमसे कोई नहीं जीत पाया है, तो इतने महान है हम लोग कबड्डी के फील्ड में अगर हम लोग काउंट करें यहां पर। तो इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला, हमने यहां पे योजना का आर्टिकल डिस्कस किया, उसमें देखा किस तरीके से पेंशन स्कीम अपना रोल प्ले करती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पूछा गया, रिविजन के लिए आप लोगों के पॉलिटी का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पीआईबी का डिस्कस हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहां पर डिस्कस की, इसके तहत आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जाकिर आप लोग हम लोगों ने देखा जाकिर हुसैन खान जी के बारे में, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला ये कितना एरिया कवर है हमारा कंट्री में, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, और कितनी पॉपुलेशन है और क्या क्या पॉपुलेशन का ये सारा इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पर ये जाना, कितना पूरा लाइव स्टॉक है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला स्टेंट के बारे में कि किस तरीके से होती है और क्या क्या प्राइस कैप रखा गया है, और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना था। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में जानने को मिला था, कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली थी। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर चित्तौर फोर्ट के बारे में जानने को मिला, जिसको चित्तौरगढ़ फोर्ट भी आप बोला जाता है। ओके, इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिला मेकोंग रिवर के बारे में और मेकोंग गंगा रिवर कॉरपोरेशन के बारे में हम लोगों ने बात की काफी डिटेल में, कौन कौन सी कंट्री और क्या क्या यहाँ पर हम लोगों का इनके साथ में रिलेशन चल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला सेंट्रल बैंक के बारे में और उसकी टैगलाइन हम लोगों ने देखी। इसके अलावा आप लोगों के सामने थे ये क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के बाद में आप लोगों के सामने थे ये आंसर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आप लोग ये बताइए लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने आसपास सफाई रखिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। काफी शानदार तरीके से आप लोगों ने एनवायरमेंट बना रखा है, क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते रहिए और आंसर जरूर पढ़िए एक दूसरे क्वेश्चन के, ठीक है ना। ये काम आप लोगों को नहीं छोड़ना है, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप लोगों का फायदा है, क्वेश्चन पूछते रहिए, आप लोगों का क्वेश्चन तैयार होता है और दूसरों को भी बात काफी कुछ सीखने को मिलता है। फेसबुक पर चीजों को शेयर कर दे कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और जितना हो सके पॉलिथीन कम से कम यूज करने की कोशिश कीजिए। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।